तो पुण्य की जितनी कैसे कैसे बढ़ते हैं उसमें से एक टॉपिक काफी बार इन्होंने सुना भी होगा, लेकिन बहुत इसकी डिमांड आई है, रिक्वेस्ट हुई है, तो मैं फिर से इसको लेकर आ रही हूँ आपके बीच में। किमी जेट की पुण्यों में जो वृद्धि होती है वो कैसे होती है? किमी जेट की जो पुण्य का प्रभाव तेजी से काम करता है वो कैसे होती है? ऐसे तो भगवान से हमारे सभी रिश्ते हैं। कहा भी गया स्वामेव अमातश्च पिता को मैं, तुम्ही बंधु तुम्ही सखा तुम्ही गुरु तुम्ही देव सब कुछ तुम हो। सारे रिश्ते भगवान से बना सकते हैं, परंतु हम बाबा के बच्चे विशेष तौर पर तीन संबंधों में बने रहते हैं उससे। एक नेचुरल नेचर जो बन गई है हमारी कॉमन वो गया है जो हमारे लिए बाबा से रिश्ता वो कौन सा है? बड़ा नेचुरल सा रिश्ता जो बन गया है वो है बाबा का, यानी के पिता। जब हम उसके महावाक्य सुनते हैं तब वो हमारे सामने किस रूप में उपस्थित होते हैं? शिक्षक। एक और तीसरा बड़ा भारी बड़ा इम्पोर्टेंट रिश्ता भगवान के साथ है जो थोड़े बिसरे रहते हैं हम, वो कौन सा है? परम सदगुरु। और ये रिश्ता ऐसा है कि यदि एक बार मेरी ओर से मेरा सदगुरु राजी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तो फिर जो भगवान के बारे में कहावत है कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर लेता है, ये उसके बारे में गाय है। क्योंकि पिता और टीचर के सामने कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पिता के पास जितना होगा ना उतना ही बच्चों को देगा, और जितने बच्चे होंगे उतनों को बांट कर देगा। भले उनमें से एक अदरणीय पुत्र क्यों ना हो, उसका एक अति प्रिय पुत्र क्यों ना हो, परंतु पिता की ये लिमिटेशन है। छात्र स्टूडेंट कितना भी प्रिय क्यों ना हो शिक्षक का, परंतु यदि पढ़ाई में कमजोर है तो नंबर भी वैसे ही होंगे। प्रेम अलग जगह है और उनकी लिमिटेशन अपनी अलग जगह है, परंतु ये जो सदगुरु का रिश्ता है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं। अगर एक बार ये हम पे प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तो अपनी नवनिधि समस्त शक्ति समस्त सिद्धि अपने सारे वरदान दुआएं ब्लेसिंग साथ सब कुछ नौछावर कर देता है। इसके सामने के कोई लिमिटेशन नहीं है। अब मुझे परम सदगुरु को राजी करना है, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास राजी करना है उसको। इस तरह से राजी करना है कि जब मेरी आंख खुले उदय सूरज के साथ मेरा भाग्य भी उदय हो जाए, हर सुबह मेरी गोली युक्त से शुरू हो, कोई सुबह ऐसी ना जाए जब गोल की तरफ से मुझे गिफ्ट प्राप्त ना हो। और कभी दूसरे गिफ्ट बाकी है, कभी आज तक गायन है कि ये मेरे पास गोल ही गिफ्ट है। अगर ना बांटता तो ये कहावत भी ना होती। तो हर सुबह उससे गोली गिफ्ट लेनी है। आप खुलते ही कुछ ना कुछ वरदान ले लीजिए, कुछ ना कुछ ड्रेसिंग ले लीजिए, दुआएं ले लीजिए, कुछ ना कुछ उसका प्रेम हासिल कर लीजिए, उसके रहस्य जान लीजिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट हो जाएगी सदा के लिए। परंतु उससे पहले मुझे उससे प्रसन्न करना है, बस। वो इजीली प्रसन्न नहीं होता, पिता तो हो जाता है, माता भी हो जाती है, उसको प्रसन्न करने के लिए उसके दिल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब अगर मुझे किसी को प्रसन्न करना है, राजी करना है, तो मैं दो बात का विशेष ध्यान रखती हूँ, इसे पसंद क्या है और नापसंद। जो पसंद है वो मैं बार बार करूंगी और जो नापसंद है वो बिल्कुल नहीं करूंगी। अब मुझे ये देखना है कि परम सदगुरु को पसंद क्या है, क्या पसंद है इसको।
जी अति प्रिय उसका फेवरेट सच्चाई सखाई। और क्या पसंद है कभी सदगुरु को? पवित्रता पसंद है। और जी समर्पण पसंद है। और बताइए दिल का प्यार पसंद है। और क्या पसंद है? भगवान के संबंध में जो परम सदगुरु के संबंध में आता है, भक्ति मार्ग में भी वो परंपरा चालू है और ज्ञान मार्ग में भी चालू है, जो अति पसंद है दृष्टि। और आज भी चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण परिवार में वो रीति रिवाज, वो परंपरा आज भी चालू है, उसको पसंद कर लेते हैं। बताइए भोग परम सदगुरु को विशेष गुरुवार का भोग बहुत पसंद है, अति प्रिय है उसको, उसका फेवरेट है वो। इसीलिए देखिए ज्ञान मार्ग में भी उसको हम भोग की ऑफर करते हैं। कई पढ़े लिखे भाई बहने आते कहते बहन जी ये भोग पहुंचता है कि नहीं भगवान के पास, ये खेल पाल है। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त जानते हैं भगवान को क्या पसंद है, जहां भगवान वहां प्रसाद, बिना प्रसाद के भगवान अधूरा, भक्ति अधूरी, कर्मकांड अधूरे। सबसे पहले क्या चाहिए? प्रसाद चाहिए। पूजा से भी पहले क्या चाहिए हाथ में? क्या घनिष्ठ रिलेशन है दोनों का, भगवान और प्रसाद का गजब का रिश्ता है। बिना प्रसाद के भगवान अधूरा है। देखिए व्यक्ति जन्मता है तो प्रसाद, उसके जीवन में जो भी शुभ संस्कार होते हैं तो प्रसाद, इवन जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका अंतिम संस्कार होता है तो भी प्रसाद। हिंदू धर्म में तो ये मान्यता है कि जब तक उसके नाम का प्रसाद पंडितों को ना खिला दिया जाए तब तक आत्मा भटकती रहेगी, इसीलिए तेरमा तेरा पता नहीं क्या क्या करते मान्यता है करेंगे ही। जबकि हमने ये देखा है कि मंदिर में जाते थे प्रसाद का दाना एक भी इधर से उधर नहीं, भोग लगाते हैं खाली झूठी तू, इतना सा कर भी तो इधर से उधर नहीं होता, त्रुटि कर रहे हैं, त्रुटि कर रहे हैं। क्या है ये भोग, ये प्रसाद क्या है? क्यों भगवान को अति प्रिय है कि भक्त भी जानते हैं इस वीकनेस को भगवान की और उसी नवश को दबाते हैं जो उसकी कमजोरी है। ये भगवान तू मेरी ये मन्नत पूरी कर दे और फिर मैं क्या करूंगा, लेकिन इतना बढ़िया नस दबाते हैं उसकी, क्योंकि वो भी क्या है इसको बहुत पसंद है, उसका फेवरेट है, माने गए लीजिए गए खुश हो गए और 5 लाख की मन्नत पूरी करा लेते सवा 5 रुपए के लड्डू के चक्कर में।